सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लवली नू वर्सेस शिबा इनू। जी हाँ गाइस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से कॉइन में है और दोनों की आज हम प्रिडिक्शन भी करने वाले हैं। और कल मैंने एक यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी तो जहां पर लोगों की 58% लवली इनू वर्सेस शिबा इनू पर पोस्ट पर वोट मिले, तो वहां पर इन दोनों पर वीडियो लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस इन दोनों में से आपको कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और क्या पोटेंशियल है दोनों की वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के करंट प्राइस क्या है, और करंट प्राइस देखते हैं हम यहाँ पर अभी आते हैं अपनी कॉइन कैप मार्केट पर आते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि क्या दोनों के लिए किन दोनों के क्या प्राइस चल रहे हैं दोनों के, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हम जानते हैं शिबा इनू कॉइन्स के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन्स आखिर एक कैसा कॉइन है, ये एक मीम कॉइन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसका कॉइनल साइट पर भी जाके देखो तो वहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ एक करेंसी, मतलब ये पेमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर किसी को पेमेंट लेनी हो, किसी को पेमेंट देनी हो, तो वो इसको सिर्फ एज ए करेंसी इसको यूज़ कर सकता है, एज ए पेमेंट एक्सेप्ट है ये। अब गाइस इसका कोई यूज़ केस नहीं है जैसे और XRP या फिर एथेरियम, काफ़ी सारे जो कॉइन है उनका यूज़ केस होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर जितने भी और भी टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में हो तो उनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये एक सिर्फ एक मीम कॉइन्स है। और यहाँ पर अगर आप इसके प्राइस की बात करो तो आप देख सकते हो ये 1 रुपये से भी बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर ये 0.3x0.51, तो यहाँ पर आप ये अभी चल रहा है ये 73% प्लस में। अब जानते हैं इसके अलावा अगर इसके बात की जाए लवली इनू कॉइन की तो उसमें क्या पोटेंशियल है और क्या वो खास है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी आप देखो तो यहाँ पर हमने लवली इनू कॉइन का मार्केट ओपन कर लिया। तो लवली इनू कॉइन का अभी आप देखो तो यहाँ पर 0.4x0 है, यहाँ पर वहाँ 3x0 है, यहाँ पर 4x0 है, 3.1, और यहाँ पर ये माइनस में चल रहा है अभी 6.49%। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो जो शिबा इनू कॉइन है वो सभी जगह लिस्टेड है, मतलब जहाँ पर भी WZERAX, CoinDCX, हॉट ग्लोबल, सभी जगह पर वो लिस्टेड है। जबकि लवली इनू कॉइन अभी बहुत ही कम प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हुआ है, जैसे हॉटबिट पर या फिर अभी तो ये WZERAX पर भी लिस्टेड नहीं है, तो काफ़ी जगह लिस्टेड नहीं है लवली इनू कॉइन। तो अभी क्या पोटेंशियल रहेगा दोनों का, और बात की जा रही है इसका यूज़ केस क्या है, तो लवली इनू कॉइन का भी कोई खास यूज़ केस नहीं है, ये भी एक मीम कॉइन ही है। जैसे शिबा इनू मीम कॉइन है वैसे ही लवली इनू मीम कॉइन है, दोनों ही कॉइन ही है मीम कॉइन है, तो दोनों का भी कोई यूज़ केस है नहीं। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी भी कॉइन में आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। और यहाँ से प्रॉफिट कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप दोनों में पैसा लगाते हो तो आपको ऐसे लॉन्ग टर्म पैसा नहीं लगा के रखना है यहाँ पर, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं 1 साल के लिए होल्ड कर दिया, 2 साल के लिए होल्ड कर दिया, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आपने पैसा ऐड किया, आप मैं कहता हूँ यहाँ पर आप 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना वेट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है आप निकाल लीजिए, और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की तब भी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लवली इनू कॉइन के मुकाबले बात करूँ तो शिबा इनू कॉइन बेटर हो सकता है बिकॉज अभी वो सब जगह पर लिस्टेड है, और लवली इनू कॉइन भी बहुत बेटर हो सकता है अगर ये भी सब जगह पर लिस्टेड होता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा टक्कर रहेगी आने वाले टाइम में, तो दोनों कॉइन बहुत बेस्ट कॉइन है। बट मैंने आपको पहले बताया कोई यूज़ केस नहीं है, मीम कॉइन है, तो दोनों का पोटेंशियल मैं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। और वैसे भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप लोगों को खुद से रिसर्च करनी है उसके बाद किसी भी कॉइन पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। इस चैनल पर आपको सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियोस हम देने की कोशिश करते हैं, हम दोनों के कॉइन के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है दोनों का क्या पोटेंशियल है, क्या यूज़ केस नहीं, दोनों का यूज़ केस तो कुछ भी नहीं है। इसको भी एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये दोनों का यूज़ केस है, तो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो काफ़ी कॉइन है, टॉप 5 कॉइन में से आप किसी एक होल्ड कर लीजिए, कार्डानो, XRP, ये ऐसे कॉइन ट्रस्टेड कॉइन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा बाकी आपने कौन से कॉइन को होल्ड करके रखा है वो भी कमेंट में बताओ, और गाइस आपके हिसाब से कौन सा कॉइन बेस्ट है वो भी कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।